चल बेटा जी। अच्छा एक बात तो बता जी, मेघा की सगाई के लिए पैसे वैसों की कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है, और दक्ष है ना, सब हो जाएगा। रुक, एपर्ट अंकल ये क्या है? रख ले बेटा, काम आएंगे। नहीं अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। किस चीज की कितनी जरूरत है मेरे को सब पता है, कल रात तेरी बातें किन्नी ने सुननी थी, अब चुपचाप जेब में रख ले। अंकल सब हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, किसी से पैसा तो मांग सकता नहीं, फिर कैसे कर लेगा। अब रख ले बेटा, पर हाँ दो दिन और तुझे मेरे साथ वॉक पर आना पड़ेगा। जी देख पुत्र, एटीएम की लिमिट 25,000 की होती है, कमी 60,000 की, 25,000 आज निकाले हैं, 25,000 कल निकालेंगे, और 25,000 परसों निकाल लेंगे, 15,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब तेरा बाप खरीदारी करने जाएगा तो एक्स्ट्रा पैसा तो लगेगा ना, है? चल। थैंक यू अंकल, अगर आपने ये सब नहीं किया। ओए चुप कर, अब तू मुझे थैंक यू बोलेगा? बचपन में मटके दे कुल्फी वास्ते मुझसे पैसे लेता था, तब तो कभी थैंक यू नहीं बोला। बड़ा हो गया। नहीं अंकल वो बात नहीं है, दरअसल अगर ये सब नहीं हुआ होता तो उधर मैंने कोई एहसान नहीं किया। सच कहूं ये पैसे मैंने मेघा के लिए जोड़ रखे थे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन पैसों के बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके तेरे बाप को, बहुत गर्व है उसे अपने बेटों पर, उसके बेटों के होते हुए कोई और उसकी बेटी की शादी में खर्चा करे ये उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने बेटों पर से उसका भरोसा कभी कम नहीं होना चाहिए पुत्र, वरना वो टूट जाएगा, समझ रहे? जी अंकल। शाबाश। गिनी गिनी गिनी, थैंक्स यार। यू वेलकम, पर थैंक्स किस लिए? तूने जो धैर्य भैया के लिए किया उसके लिए। मैंने क्या किया है? अब ज्यादा बन मत, तूने तो अंकल को बताया कि। अरे आंटी जी क्या हुआ है आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, वही माइग्रेन का अटैक, कितनी बार कहा कि टेंशन मत लिया करो, लेकिन इसको तो आदत है ना, सर में माइग्रेन और मुंह में माइग्रेन की गोली, जाओ जाकर के आराम करो। जी आपका जाने सरकार, आपको तो मैंने बाजार भेजा था ना सामान लेने के लिए। पापा वो दुकान 10 बजे खुलती है तो मैं 10 बजने का वेट कर रहा था। अगर आपको 10 बजने के वेट करने का इतना ही शौक है तो आपको दुकान के सामने करना चाहिए था ना, यहाँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 10 बज गए कब 12। आया वेट करने वाला, पता नहीं क्या एलर्जी है इनको मुझसे, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मैं इनका बेटा हूँ भी या नहीं, पता किसी मेले से उठा के लाया मुझे। ये गिनी से क्या कह रहा है तू? पापा। बेटा। पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। बोल बेटा। पापा वो मैं चाहती थी कि आप मेरी शादी एकदम सिंपल तरीके से करवाएं। ऐसी बात कर रही है बेटा, मैं तेरी शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दुनिया देखे या ना देखे पापा मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मेरे भाइयों को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। ये क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ, कल रात मैंने दक्ष भैया और धैर्य भैया की बातें सुनी, वो दोनों मेरी सगाई को लेकर बहुत परेशान है पापा, नहीं है उनके पास इतने पैसे, नहीं कर सकते वो इतना खर्च मेरी सगाई पर। पापा मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी की वजह से मेरे भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी पापा जिसकी वजह से मेरे अपने भाइयों को दुख हो। यार मेरे दो दो लाइक बेटे हैं, मेरे कंधे बाजू, जो मेरा सिर कभी नहीं झुकने देंगे। क्यों बेटा झुकने दोगे? जी नहीं। देखा
क्या हुआ पापा? जिस तरह की शादी मैं अपनी बेटी की करना चाहता हूँ वैसी शादी तुम दोनों भाइयों को करने में कोई परेशानी है क्या? भाइयों को परेशानी है क्या? नहीं तो पापा, ये किसने कहा आपसे? तुम्हारी बहन ने। उसने तुम दोनों को बात करते हुए सुना था कि तुम शादी में उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते जितना कि मैं करना चाहता हूँ। प्लीज पापा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमने आज तक आपका कोई कहना टाला है? यकीन मानिए, सगाई की तैयारियां वैसी ही चल रही हैं जैसा जैसा आप चाहते हैं। तो फिर मेघा ने क्यों कहा कि वो सिंपल शादी करना चाहती है? तुम लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? तुम्हारी चुप्पी ने जवाब दे दिया है। तुमने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन तुम्हारा बाप अपनी नजरें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। चिंता मत कर बेटा, अगर तेरे भाइयों का की जेब तंग है तो तेरे बाप का दिल तंग नहीं है। उसने एक बार जो बोल दिया वो करके ही रहेगा। कोई साथ दे या न दे, मैं अकेला करूंगा पैसों का बंदोबस्त। क्या कर रहे हो भैया? पापा को सब सच बता दो ना, किसका वेट कर रहे हो? पापा को बता दो शर्त के बारे में, क्यों छुपा रहे हो पापा से? ऐसी शर्त? पापा वो क्या है कि कल शाम को धैर्य भैया और मेरे बीच में मेघा को लेकर शर्त लगी थी। मैंने भैया से कहा कि मेघा थोड़ी सी ओवर सेंसिटिव है और छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है, लेकिन भैया मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मेघा के सामने छोटा सा जानबूझ के ड्रामा किया कल। मुझे क्या पता था मेघा सेंसिटिव होने के साथ साथ इतनी बड़ी चुगलखोर भी है। मेघा, क्या जरूरत थी पापा को ये सब बताने की है? अब चलो छोड़ो भैया, आप तो मुझे 500 रुपए दे दो, मैं तो शर्त जीत गया। ए हेलो बापू तेरा, ये सर के बाल धूप में सफेद नहीं कराए मैंने। पापा ये सच कह रहा है, हमारे बीच में शर्त लगी थी और ये शर्त जीत गया। ले ले तेरे 500 रुपए, ले रख। पापा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूं, आपको यकीन नहीं होता? ठीक है, एक मिनट। रूपा रूपा, मेरे कमरे में जाकर मेरे बैग से एक सफेद एनवेलप लेके आना, अभी आपको यकीन हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। मेघा की सगाई के लिए काफी पैसे हैं हमारे पास, और इनफैक्ट एक दो दिन में और भी पैसे आ जाएंगे। अब तो आपको यकीन हुआ ना कि आपके बेटे आपका सर कभी झुकाएंगे नहीं? हाँ पापा, वो सिर्फ एक शर्त थी। काके छुट्टी की अर्जी लिख दी तो फिर दे दे मुझे। गलत वक्त पर आ गया। कैसी बात कर रहा है यार? देखा, धैर्य ने बच्चे का इंतजाम कर दिया। मैं नहीं कहता था कि मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई होगी, पर कोई भी मुश्किल मेरी इज्जत से ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा सर। ये दोनों बेटे मेरी बाजू हैं, हिम्मत है मेरी, कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए। मतलब पापा की इज्जत बची रहनी चाहिए, उनका सिर नीचे नहीं होना चाहिए। क्या बात है। ये दोनों बेटे मेरी बाजू हैं,
हिम्मत है मेरी, कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए। पागल है क्या? मैं क्यों रोऊंगा? मैं तो खुश हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज घर में भूचाल आने वाला है और सारी दीवार मेरे सर पर गिरने वाली है, मगर थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो धैर्य भैया को पापा ने गले लगाया ना, सच में कमाल की चीज थी यार वो। तो अंकल जी की झप्पी के लिए रो रहा है ना? पागल है क्या? कचरा चले गया आंख में। तुम लड़के भी ना एक नंबर के घोंचू होते हो। तुम्हें लगता है कि अगर इमोशन दिखा दे तो फिर ये डोले कौन देखेगा? अच्छा छोड़, आज जैसे तूने बात संभाली ना, by God मजा आ गया। I'm so proud of you, ध्रुव। नहीं गिनी, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। I am proud of you, क्योंकि आज बात तो तूने संभाली। अगर तू अवतार अंकल से जाके नहीं कहती और वो धैर्य भैया की हेल्प नहीं करते, आज पता नहीं क्या हो जाता। पापा तो टूट ही जाते यार। तू ना एक नंबर का पागल है। DLA 2528। ओए, ये तो वही बंदी जो कल सिग्नल पे मिली थी। मैं अभी आया। अरे सुन तो। क्या हुआ? तू वापस क्यों आ गया? वही क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स। उसका बॉयफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ हाँ। Are you sure, Mr. Roy? Yes, ma'am. सारे फिगर निकलवा लिए गए। Come in. Mr. Tripathi, congratulations. Solitaire जीतने के लिए। Solitaire? क्या कंपनी तुमको ऑफिस में सॉलिटेयर खेलने के पैसे देती है? कल मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो काम तो पूरा किया नहीं होगा आपने? जिस काम के मुझे पैसे मिलते हैं वो काम मैं वक्त से पहले पूरा कर देता हूं। सर, एक दिन में तुमने सारे एग्जैक्ट फिगर निकाल लिए हैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं नौकरी छोड़ दूँ। मैम, देखा आपने इसका एटीट्यूड? देखा आपने? मिस्टर रॉय, आपको फाइल मिल चुकी है। Yes. Just get the work started. You may leave now. Thanks. Yes, ma'am. Attitude, huh? Ego. बहुत तकलीफ होती है ना तुम्हें जब तुम्हारी काबिलियत पे कोई उंगलियां उठाता है? क्यों? मेरी काबिलियत पर उंगली उठाने का हक सिर्फ उनको देता हूं जो मुझसे ज्यादा काबिल है। पर अनफॉर्चुनेट इस ऑफिस में मुझसे ज्यादा काबिल कोई और है नहीं। और आज सवाल एटीट्यूड का, तो जहां टैलेंट होता है वहां एटीट्यूड भी होता है। नाइस डे मैम।
काम में आ। मेरी नजर इस पर पहले क्यों नहीं पड़ी? एक नजर इधर भी पलट के देख ले यार, पलट पलट। पता चल जाएगा, थोड़ा तेरा दिल का इशारा होगा और थोड़ा ऊपर वाले का। लो जी, हो गया इशारा। इशारा नहीं तो भगवान जी का ऑर्डर है। जा ध्रुव, जा बात कर इससे। Wow, it's like a dream. हाँ, जैसे एक इशारा हो, आसमान से टूटा कोई तारा हो। तारा? हाँ, ध्रुव तारा, जो तुम्हारे साथ बिताना चाहता है अपना जीवन सारा। How romantic! मुझे नहीं पता था कि तुम इतने romantic भी हो ध्रुव। मैं तो बचपन से ही romantic हूँ। अब ये सब। हे ध्रुव, तू तो बहुत lucky है यार। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन तू ये किस लिए कह रहा है? तेरी लव लाइफ के लिए कह रहा हूँ यार। अब देखना, तू इतनी ओपनली काम्या के साथ फ्लर्ट कर रहा है और टेंशन भी नहीं है कि गिन्नी क्या कहेगी। गिन्नी? गिन्नी क्या कहेगी इसमें? गिन्नी तो खुद मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाती है। तो हुआ ना तू लकी भाई, गर्लफ्रेंड होना तो गिन्नी जैसी, जो अपने ही बॉयफ्रेंड के लिए लड़कियां सेलेक्ट करती है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? गिन्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दो मिनट में वो तुमको बताएगी कि हम दोनों क्या है। ओके, मैं अभी आया। तुम्हें पांडे सर कब से बुला रहे हैं? चली जाओ। गिनी सुन मेरी बात। तू लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? तू किताब छोड़, जल्दी चल। पर हुआ क्या? जल्दी चल, बताता हूँ तुझे। जल्दी मेरा बैग। बैग बाद में ले लियो। तू नहीं हो गया? तू तेरा बैग। मैं समझाता हूँ, ये है काम्या। जानती हूँ, क्लास में तो पढ़ती है। जानती तो है, लेकिन आज कितनी अच्छी लग रही है ना? लग रही है तो हंस मत ना। देख, ये सब सोच रहे हैं कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में वो सेटिंग टाइप का कुछ चल रहा है। तू उनको बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक्चुअली इनकी तो परवाह नहीं है, लेकिन ये जो काम्या ना, ये गलत सोच रही है। तू इसकी गलत फहमी दूर कर दे और इसको बता दे कि हम दोनों के बीच में वैसा वाला कुछ भी नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, गिन्नी सब क्लियर कर देगी। ए, हंस क्या रहे हो? गिन्नी सब बता देगी तुमको, अभी देख लेना। गिन्नी बताओ इनको। अरे और रमियो, जूलियट तो तेरी गई। गिन्नी गिन्नी कहाँ जा रही है तू? वो भी बिना कुछ बोले। बिना कुछ बोले मतलब? शक्लें देखियो उनकी, उनकी मेंटालिटी समझ। तुझे क्या लगता है मैं कुछ बोलूंगी वो समझ जाएंगे? वो फिर बोलेंगे। और तू उनको एक्सप्लेनेशन दे ही क्यों रहा है? क्या लगते हैं वो तेरे? पर काम्या, ध्रुव, अगर वो तुझे ट्रस्ट नहीं करती ना, वो तुझे डिजर्व ही नहीं करती, समझा कुछ? अरे वो मेरा रोमियो, जूलियट ने ना कर दिया क्या? डोंट बी सैड डार्लिंग, मैं हूं ना, कॉफी पीने चले? तुम सब लड़के एक जैसे हो, जस्ट गेट लॉस्ट। पर काम्या वही लड़की है जिसकी वजह से मुझे सुबह इशारा मिला था, जैसे कि तूने बोला था। उसको देखते ही बैंड बाजा बजा था, म्यूजिक बजा था, चीयर लीडर्स और ये सब। अरे स्टुपिड, जब इशारा होगा ना तो आसपास बैंड बाजे नहीं बजेंगे, दिल में घंटी बजेगी।
अंदर से एक आवाज आएगी, शी इज द वन, यही है वो। तब समझना सच्चा इशारा, ये झोलू इशारा नहीं, समझा? चल ठीक है, अब से मैं दिल की घंटी की आवाज ही सुनूंगा।